देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर समाज का हर वर्ग इसमें भाग ले रहा है। आज़ादी के जश्न में आम नागरिकों का उत्साह देखने लायक है, लेकिन आज जो पलामू में हुआ उसने अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बना दिया। सुबह के 9 बजे थे, मेदिनीनगर के बैरिया चौक से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद चौक होते हुए छमुहान चौक तक रास्ता पूरी तरह खाली था। आने जाने वाले लोगों के बीच इस बात की उत्सुकता थी कि आखिर क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर में तिरंगा यात्रा निकाली गई और फिर जो जहां था वहां से दौड़ पड़ा अपने हाथों में तिरंगा को थाम कर उस गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बना जो ऐतिहासिक रूप से आज पलामू में देखी गई। 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी तिरंगा को लेकर हजारों की संख्या में लोगों ने मेदिनीनगर शहर का भ्रमण किया और लोगों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। मेदिनीनगर शहर के बैरिया चौक स्थित जीनियस क्लब, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन, विंध्याचल हॉस्पिटल और क्राउन प्लाजा के द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में शामिल होने पलामू कमिश्नर जटाशंकर चौधरी, SDPO सुरजीत कुमार समेत कई आला अधिकारी पहुंचे थे। मौके पर अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों के साथ काफ़ी संख्या में शहरवासी और स्कूली बच्चे मौजूद थे। अमृत महोत्सव में भव्य तिरंगा यात्रा को जिसने भी देखा रुक कर तिरंगे को सलाम किया और देश के लिए मर मिटने की कसम भी खाई। तिरंगा यात्रा में शामिल ज़्यादातर लोग अपनी आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से बना पगड़ी गर्व से अपने माथे पर सजाकर देशभक्ति के भाव में मतवाले हुए जा रहे थे। भांगड़ा के धुन पर देशभक्ति गीत लोगों के अंदर खून की गति को बढ़ा दे रहा था। आज़ाद भारत में अमृत महोत्सव मना रहे लोगों ने आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें नमन किया। मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को हमारा गौरव, अस्मिता, मान सम्मान बताते हुए प्रोटोकॉल के तहत हर घर तिरंगा लहराने की अपील की। 15 अगस्त तक चलेगा, इसके लिए सरकार ने फ्लैग कोड में संशोधन किया है ताकि हर नागरिक जो अपने घर घर पे झंडा को फहरा सके। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हमारे गौरव, अस्मिता, शान, सम्मान का प्रतीक है, हम उसको घर घर में फहराएं। मेरा अपील है कि इस प्रमंडल के सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पर पूरे आदर सम्मान और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए उसको फहराएं और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बने। तिरंगा यात्रा में छतरपुर विधायक पुष्पा देवी समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे आशीष भारद्वाज ने सभी अतिथियों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया।